हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। धंधा कैसे गंदा बना। आपके मन में तो चलता है कोई भी धंधा तो गंदा होता है, उसमें धोखाधड़ी किया जाता है, कुछ चीटिंगबाजी किया जाता है, उसमें कस्टमर को लूटा जाता है। पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कहा जाता है, असल में इसके पीछे कितना सच्चाई है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। उसका पिताजी का बिजनेस था और वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर अचानक से उन्होंने बिजनेस करना छोड़ दिया। तो मैंने उससे पूछा, उन्होंने बिजनेस करना क्यों छोड़ दिया और अब वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा दोस्त मुझसे कहता है, मेरे पिताजी हज के लिए गए थे और वहां से आने के बाद हम लोगों में नियम है कि कोई बिजनेस करता नहीं है। तो मैं उससे पूछता हूँ, ऐसा क्यों। तो वो कहता है, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, चीटिंगबाजी करना पड़ता है और हमारे में नियम है, जो भी लोग हज से आते हैं उसके बाद वो कोई बिजनेस करते नहीं है, कोई भी गलत काम करते नहीं है, यहाँ तक कि झूठ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हज से आने के बाद झूठ बोलना उन लोगों के लिए पाप समझा जाता है। तो मैं ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता हूँ। मेरे मन में आता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि आप भी अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, अपने लाइफ में आगे जा सके। कौन सा गलती छोटे व्यापारी लोग करते हैं जिससे वो अपने लाइफ में आगे जा नहीं पाते हैं, उतना सक्सेस हो नहीं पाते हैं जितना सक्सेस वो अपने लाइफ में हो सकते थे, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम बताऊंगा। तो चलिए देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, एक दिन शाम को एक लड़का चिकन लेने के लिए चिकन के शॉप में जाता है और चिकन के दुकान में जाकर कहता है, मुझे 1 kg चिकन चाहिए। तो दुकानदार कहता है, मेरे पास में फ्रिज का माल है जो मैंने सुबह में काटा था और अभी मैं अगर चिकन काट दूंगा तो कोई लेगा नहीं। इतना सुनने का लड़के के मन में आता है, कोई बात नहीं है, मेरे वजह से किसी का लॉस होना नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहता है, ठीक है अंकल, आप एक काम करिए, आप फ्रिज का ही माल दे दीजिए, पर आप सुबह का माल दीजिएगा, कल का माल दीजिएगा नहीं। इतना कहने का दुकानदार भी उसे फ्रिज का माल दे देता है, अपने घर लेकर चला आता है। और इस कथन में बहुत दिन बीत गया है। वो जब भी चिकन लाने जाता है, अपने सामने फ्रिज चिकन कटवा कर लाता है। उस लड़के को ये बात पता नहीं कि वो 1 kg चिकन लेता है, उसमें 250 ग्राम चिकन वो फ्रिज का मिलाकर उसे पाइल करके देता है, मिक्स करके देता है। उसे समझ में आता नहीं, अपने घर में लेकर चला आता है। एक दिन अचानक से वो अपने भाई को भेजता है चिकन लाने के लिए। उसका भाई वहां पर जाता है और दुकानदार से कहता है, मुझे 1 kg चिकन दे दीजिए। दुकानदार कहता है, मेरे पास में फ्रिज का चिकन है, आप लेकर चले जाइए। उसका भाई कहता है, मेरे घर में फ्रिज का चिकन कोई खाना नहीं चाहता है। ये सुनने का दुकानदार कहता है, तुम्हारा भाई तो यहाँ से फ्रिज का माल लेकर जाता है, उसे कोई दिक्कत होता नहीं है, तुम ही लेकर चले जाओ। उसका भाई कुछ कहता नहीं है, वो फ्रिज का माल लेकर आ जाता है और फिर कभी भी उसका दुकान में जाता नहीं है। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग कभी कस्टमर को पकड़ना सीखते नहीं है। उनके मन में ये नहीं चलता है कि जो कस्टमर मेरे पास में आया है वो भगवान के समान है, क्योंकि वो हमसे आज सामान खरीदने आया है, अगर उसे सामान अच्छा लगेगा तो फिर से वो मेरे पास में आएगा। उसके मन में हमेशा ये चलता है, मेरे पास में जो सामान बचा हुआ है उसको मैं पहले निकालूं। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर को कैसा फील हो रहा है, उसके अंदर में क्या चल रहा है। कस्टमर को इस दुनिया में भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि कस्टमर जब भी दुकान में आते हैं तो खरीदी करते हैं और दुकानदार को बहुत फायदा होता है, दुकानदार का आमदनी होता है। अगर कस्टमर आना दुकान में बंद कर दे तो वो दुकान का क्या हालत होगा, इसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे दुकान ऐसे देखे हैं जिसका एक समय में बहुत सारा सेल्स चल रहा था, पर ठीक से बर्ताव नहीं करने के कारण आज उनके दुकान में कोई भी सेल्स होता नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहता था ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको अपना सेल्स दिन पर दिन बढ़ाना है और पीक तक जाना है, एक बात अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी धंधा को गंदा बनाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के जो 5% लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, इतना सक्सेस उन लोगों को मिला है, उनके लाइफ में किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वो लोग अपने लाइफ में कभी भी 2 नंबर रास्ता चुनते नहीं है। उनके लाइफ में हमेशा ये चलता है, अगर मैं छोटा सा भी गलती करूंगा तो कल जाकर ये मुझे बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए अपने लाइफ में कोई छोटा भी गलती करते नहीं है। उनके पास में कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए वो लोग उसे जलाना पसंद करते हैं पर कस्टमर को देना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कस्टमर आपके पास में 1 रुपये का सामान ले, 1,000 का सामान ले, फर्क नहीं पड़ता है। सर्विस आपका हमेशा 1,00,000 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके दुकान में कोई 1 रुपये का सामान लेने आया है और उसको आपने 1,00,000 रुपये का सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आपका दुकान कभी वो छोड़ेगा नहीं। छोटा से छोटा सामान बड़ा से बड़ा सामान आपके दुकान से लेकर जाएगा, आपका सेल्स इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से आपका स्टॉक खाली हो गया। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, आपके मन में यही चल रहा होगा, मैं 1,00,000 का कैसे सर्विस दे सकता हूँ, मेरे पास में तो पैसा है नहीं। यहाँ पर मैं आपको पैसा खर्चा करने का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपका अच्छा बर्ताव का बात कर रहा हूँ। एक कस्टमर अगर 1 रुपये का भी सामान लेने आता है उससे आपको बहुत अच्छी तरह से पेश आना है, जैसे वो कहीं का राजा महाराजा है। इस प्रकार से आपको बात करना पड़ेगा कि आपका बात में ही वो मोहित हो जाए, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था, ये हमारा जो मुख है ये पान भी खिलाता है और मार भी खिलाता है। अब ये तुमको सोचना है कि तुमको क्या खाना पसंद है। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी कस्टमर के साथ में गलत व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर एक बार आपका दुकान छोड़ देगा तो कभी भी आपका दुकान में आएगा नहीं,
रिलेशन बनाने में बहुत समय लगता है, पर तोड़ने में एक क्षण लगता है। और कंपटीशन को कैसे हटाना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाइए, आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता था वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।